हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। तो एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है आईआईटीज के कट ऑफ्स के ऊपर, राइट, कैटेगरी वाइज। जिनको जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो एक बार कि लास्ट ईयर के हिसाब से पूरा एवरेज मिला के कट ऑफ कितना रहा था हर एक कैटेगरी में, हर एक आईआईटी में, और हर एक आईआईटी कौन कौन से कोर्सेज ऑफर करती है, वो भी मैंने उसमें मेंशन किया था। सेम यहाँ पर भी एनआईटीज की बात करते हैं कि एनआईटीज में रैंक और कट ऑफ कितना है, और कौन कौन सी एनआईटीज अच्छी हैं, और कौन कौन सी एनआईटीज क्या क्या कोर्सेज ऑफर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एनआईटी है वो है एनआईटी तिरुचिपल्ली। ठीक है, बहुत ही अच्छी एनआईटी है और बहुत ही खूबसूरत एनआईटी है, मैं बता दूँ आपको। ठीक है, वन सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो बहुत ही अच्छी और बहुत ही खूबसूरत एनआईटी है ये एनआईटी तिरुचुपल्ली। एनआईटी ट्रिची भी बोलते हैं इसको, टॉप एनआईटीज में नाम आता है इसका। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ अगर आप देखो ना, 758 है। ठीक है, देखो देखो यार, अराउंड 500 के अराउंड जो एडमिशन होंगे ना, वही होंगे आईआईटीज में, जनरल कैटेगरी में। तो जनरल कैटेगरी में जो एडमिशन्स होंगे वो 500 के अराउंड होंगे। ठीक है, उससे ऊपर शायद ना जाए, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी में जा सकता है, बट स्टिल। तो आप देख सकते हो कि 758 जो कट ऑफ है, तो हम एक रेंज लेके चलते हैं कि 758 एनआईटी में जाने के लिए एक मैक्सिमम और मिनिमम रेंज बनाएंगे अपन। कोर्स जो है ना, ये एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करता है, तो बहुत ही अच्छी एनआईटी है। आपको अगर आईआईटीज में ना मिल पा रहा है, एनआईटीज में मिल पा रहा है, तो आपको जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि एनआईटीज भी अगर मिल जाए तो हमें ले लेना चाहिए और क्यों ले लेना चाहिए। नेक्स्ट एनआईटी है हमारा एनआईटी पुदुचेरी। तो कट ऑफ देख सकते हो आप, 1150 कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। तो 1150 के हिसाब से जो मार्क्स है वो मुझे लगता है कि 25 के अराउंड रहा होगा। ठीक है, 25-26 के अराउंड रहा होगा मार्क्स। तो अगर आपका जनरल कैटेगरी में रैंक 1000 के ऊपर भी है, तो भी आपको एनआईटी मिल सकता है, और आपको जाना चाहिए, डेफिनेटली जाना चाहिए कुछ चीज़ों को देखने के बाद। वो क्या है वो मैं बताऊंगा। ये जो एनआईटी, ये भी एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है। नेक्स्ट चलते हैं, जो है हमारा एनआईटी रायपुर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 1265 है, और एसटी का तो अराउंड 5600 के आसपास, 700 के पास है। ठीक है, तो ये भी एमएससी मैथमेटिक्स ये ऑफर करती है। ठीक है, ये वीडियोस बनाने का ये है कि जब आपका रैंक आ जाए ना, तो आप ये वीडियोस देख के आप डिसाइड कर सको कि मैं कौन सी आईआईटी से एनआईटी में जाने वाला हूँ, ताकि जब आप फॉर्म भरो ना, तो आप इसके हिसाब से भरो, है ना। आगे चलते हैं, एनआईटी जमशेदपुर, बहुत ही खूबसूरत एनआईटी है। आप फोटो से ही समझ में आ रहा है कितनी खूबसूरत होगी, है ना। तो 1000 के आसपास इसका कट ऑफ है, और बाकी कट ऑफ आप अकॉर्डिंगली देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, एमएससी मैथमेटिक्स से कोर्स ऑफर करती है। नेक्स्ट चलते हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, तो थोड़ा सा प्लेसमेंट का सीनारियो यहाँ पे बन सकता है। एनआईटी मणिपुर, तो ईस्ट साइड में, मतलब पहाड़ों के बीच में ये एनआईटी होगी। ओके, सो इसका जो कट ऑफ है आप देख सकते हो अराउंड 1250 के आसपास है। और ये जो एनआईटी की कट ऑफ है ना, ये मैंने प्रॉपर थर्ड लिस्ट में से निकाले हैं, फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट, दैट मीन्स ये लोवेस्ट कट ऑफ है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के लास्ट में। तो अराउंड 1250 के अराउंड इसका कट ऑफ है। आगे चलते हैं, एनआईटी राउरकेला, बहुत ही टॉप लेवल की एनआईटी है। तो एनआईटी ट्रिची एक टॉप की है, एनआईटी राउरकेला, और अभी एनआईटी वारंगल भी आएगा। ये तीन तो बेस्ट है भाई। एंड एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है, रैंक दे सकते हो 729 रैंक पे ले रही है। मतलब जो बच्चा 729 रैंक का, वो इतना भी खराब नहीं होता है, राइट। वो अराउंड उसका जो मार्क्स है जनरल कैटेगरी में, वो मुझे लगता है 33-34 या फिर 30 से 33 के बीच में रहा होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी एनआईटी है ये एनआईटी। अगर मिल जाती है, अगर आपको आईआईटी ना मिलती है इन केस, तो आपको इसमें जाना ही चाहिए। एनआईटी सिलचार बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हो अराउंड 1300 के आसपास कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का। एमएससी मैथमेटिक्स ही ऑफर करती है, और बहुत ही अच्छी एनआईटी है। ओके, एनआईटी वारंगल, जैसा कि मैं बता ही रहा था, वन ऑफ द टॉप एनआईटी। प्लेसमेंट के लिए जाना है, अगर आपका आईआईटी में नहीं हो रहा है, प्लेसमेंट के लिए जाना है, गो फॉर दिस एनआईटी। अगर आपको मिल रहा है तो आंख बंद करके पहुंच जाओ भाई। 578 कट ऑफ पे ले रही है, आप देख रहे हो थर्ड लिस्ट में जाके, तो समझ जाओ कि इस एनआईटी की वैल्यू कितनी होगी।
ओके एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करती है, और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट होता है यहाँ पे, 18 लाख 20 लाख के आसपास का प्लेसमेंट भी होता है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छी एनआईटी है। आप देख सकते हो एससी एसटी में आप देख सकते हो 5600 के आसपास, 2000 के आसपास का कट ऑफ रहता है। आगे चलते हैं, जो है हमारा एनआईटी नागपुर जो कि एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करता है, 900 के अराउंड इसका कट ऑफ है। थोड़ा सा कॉस्टली है एनआईटी जहाँ तक मेरा नॉलेज है, बट खूबसूरत एनआईटी है। ओके आईआईएसटी सीपुर, तो एनआईटीज के अलावा जो अलग इंस्टीट्यूट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आईआईएसटी सीपुर है, और एक इंस्टीट्यूट इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, बहुत पुराना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 1144 है, तो देख सकते हो एस्टैब्लिश्ड इन 1856, तो सोचो कितना पुराना है। ठीक है, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स ये ऑफर करता है, तो अगर आपको अप्लाइड मैथ में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर दिस आईआईएसटी, और बहुत ही पुराना, तो थोड़ा सा ओल्ड कैंपस लग सकता है, बट स्टिल इट इज़ गुड। नाउ सेंट लोंजेवाला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ अगर जैम के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहा है तो अच्छी थोड़ी सी तो खास बात होगी। अराउंड 1400 के आसपास का कट ऑफ है, एमएससी मैथमेटिक्स ये ऑफर करता है। नाउ यहाँ पे मैंने गलती से क्लोजिंग रैंक और मार्क्स लिख दिया है, बट मार्क्स तो नहीं बता रहे, बट सिर्फ रैंक बता रहे। ओके सो एनआईटी जालंधर अराउंड 1150 के आसपास का कट ऑफ है, एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करता है, और अच्छी एनआईटी के बारे में मैंने सुना है कि ये अच्छी है। एमएनआईटी जयपुर बहुत ही अच्छी एनआईटी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनआईटी है, और बहुत ही खूबसूरत भी है। राजस्थान में है ये, 800 के अराउंड इसका कट ऑफ है, 850 के अराउंड, एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है। यू शुड गो फॉर इट अगर आपको ये मौका मिलता है तो। एनआईटी इलाहाबाद जो प्लेसमेंट के लिए ऑब्वियसली है, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर करता है, 700 के अराउंड इसका कट ऑफ है, आप देख सकते हो 700 के रैंक के अराउंड। ठीक है, तो अब बहुत ही अच्छी एनआईटी, और अच्छा खासा कॉम्पिटिशन होने वाला है यहाँ पे, जिनको आईआईटी नहीं मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, एनआईटी अगरतला की बात करते हैं, तो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अगेन 1000 के आसपास का रैंक है, तो अगर एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है तो यू शुड गो फॉर अगरतला। ओके नाउ नेक्स्ट इज एनआईटी कैलिकट, बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीनरी कैंपस है इसका, 892 के आसपास का कट ऑफ है, और एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है। नेक्स्ट चलते हम एनआईटी दुर्गापुर, दुर्गापुर मतलब ईस्ट साइड में है, तो खूबसूरत है, बहुत कैंपस, हरियाली है यहाँ पे, मतलब हरियाली मतलब कुछ और मत समझो यार, ग्रीनरी है यहाँ पे, तो एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करती है, और 819 के आसपास का इसका कट ऑफ जाने वाला है। एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग एनआईटी हमीरपुर, अभी अभी बहुत ही अच्छा खासा प्लेसमेंट है एनआईटी हमीरपुर से देखने को मिला है रिसेंट में, तो ये ग्रो कर रही है एनआईटी बहुत ही तेजी से, 762 के आसपास का कट ऑफ है, आप देख सकते हो, तो मतलब इतने भी मतलब खराब स्टूडेंट नहीं आने वाले, मतलब खराब मतलब इतने भी कम मार्क्स के स्टूडेंट नहीं आने वाले यहाँ पे। ठीक है, अच्छा खासा कॉम्पिटिशन यहाँ पे बना रहेगा। एनआईटी मेघालय बहुत ही खूबसूरत कैंपस है, पहाड़ों के बीच में है, ईस्ट में है, तो है ना, मैंने मतलब वीडियोस ही देखे, बट बहुत ही खूबसूरत है। एमएससी मैथमेटिक्स ऑफर करता है, और 1500 के अराउंड इसका कट ऑफ आने वाला है। तो ये हो गया हमारा खत्म, बट अब हम चलते हैं आगे, हम बात करते हैं